तो भाई इस फॉर्चुनर के एलॉय व्हील देखो आप कितने इंच हैं। ये भाई 22 इंची हैं और जीरो प्रोफाइल टायर देखो एकदम तगड़े लग रहे हैं भाई इसमें। 22 इंची बहुत बड़े लग रहे हैं और हेडलाइट्स देखो आप इसकी कुछ अलग ही करवा रखा है फॉर्चुनर में। और भाई कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है फॉर्चुनर। नरेशा कहाँ थे? पाक पर थे भाई। पाक पर, पाक पर। कहाँ जा रहे हैं? राफ्टिंग करने भाई। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? एक घंटे से। तो भाई अब जा रहे हैं हम अपनी राफ्टिंग करने। बहुत टाइम हो गया वेट करते। एक राज की बात बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो भाई हम आ चुके हैं। कौन सी जगह है? ऋषिकेश तो है भाई। कोई हरियाणा कह के मत आइयो नहीं तो लाएंगे ही ना। दो वोट अनवर तले कर चुके हैं। अरे कह दो तुम नहीं होता। अरे अब तो कोई दिक्कत ना। अब तो हम पहुंच गए। अब तो ड्राइवर साइड में बैठाएंगे। अब तो हम ही चलाएंगे। कितनी 12 किलोमीटर की हमारे 12 किलोमीटर 12 24 के तरह ओके रेडी। सो आई विल से गंगा मैया, यू विल से जय, 3 टाइम्स राइट। ओके गंगा मैया के, गंगा मैया के, गंगा मैया के, वेरी गुड, जय राधे राधे। तो भाई हमने राफ्टिंग अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। और भाई उसका जो चार्ज था 700 रुपये था। मतलब जो हरियाणा के लोग हैं उनसे बिल्कुल बिछड़े पड़े हैं। तो इनसे हरियाणा का नाम ना लें, कहीं और का यूपी यूपी कहीं का भी ले लो। और भाई अब जा रहे हैं हम किसी वाटरफॉल पे, नीर वाटरफॉल के नाम से। देखते हैं कितना टाइम लगेगा पहुंचने में। तो भाई जाम तो है थोड़ा, बहुत ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम जाएंगे टेहरी डैम जाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। स्वाद आ रहे हैं यहाँ, कैसी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से आ रहा है बस, इतनी ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ आके गिर रहा है। और यहाँ भाई जैसे इसके नीचे खड़े होते हैं तो टाटे बिल्कुल मजा आ जाते हैं। तो भाई यहाँ असली मजा तो यहाँ है देखो। वैसे बीच बीच में इसमें ये दुकान सी वगैरह दुकान भी है, देख लो भाई, नीर हिमालय कैंप। और जो भाई ये दुकान है इन पे इतना महंगा सामान है क्योंकि भाई बहुत नीचे से लाते हैं। जो भी चीज़ है जैसे अपनी स्टिंग 20 की आती है उसे ये 40 की दे रहे हैं। और पानी बिल्कुल साफ है। तो भाई कैसी कोई दिक्कत नहीं है, आओ तो ज़रूर घूम के जाना इस जगह पे। तो भाई उतनी ऊपर से आए हम और फिर उसके बाद ये आता है सेकंड नंबर का। ऐसे छोटे मोटे तो बहुत आते हैं नीचे तक। यहाँ पे देखो भाई, और बहुत नीचे तक है। गाड़ी तो हमारी हमसे कोई 2-3 किलोमीटर दूर है।
बहुत नीचे जाना है अभी तो हमें। तो भाई वहाँ पे खड़ी है अपनी गाड़ी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके, वहाँ पे खड़ी है अपनी। और यहाँ से नीचे लेवल बाय लेवल ऊपर होते जा रहे हैं, एक नीचे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा चल के, एक यहाँ ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, और वहाँ लास्ट में जाके है फिर। तो भाई ये बढ़िया चीज़ है, जो भी आए एक बार भाई होके जाना और फिर बताना कैसा एक्सपीरियंस रहे आपका। ये है सबसे नीचे वाला, यहाँ भाई जो सबसे ऊपर की गंदगी आती है ना, यहाँ की टिकती है वो, और गंदगी तो गंदगी होती है। भाई अभी गाड़ी बहुत नीचे है हमसे, आ चुके हैं नीचे यहाँ से उतर के, और बहुत दूर तक पार्किंग है इसमें, मतलब इतनी भीड़ लग जाती है इसमें। और देखो भाई वो खड़ी अपनी गाड़ी जैसे, और पीछे है अपनी तो लास्ट में है बहुत दूर जाके, यहाँ क्योंकि जाम वगैरह लग जाता है इसलिए यहाँ ज़्यादा गाड़ी खड़ी नहीं करने देते, और इस इधर साइड भी खड़ी है। भाई व्यू देखो, पार्किंग देखो, वो गाड़ी लग रही और वो वहाँ से आए हम उस कोने से, और ये लग रही अपनी अभी अभी भी अपनी बहुत दूर है। तो भाई मान के चलो आपको 1 किलोमीटर तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। देखो भाई वो भी जैसे घूमने आए हैं, वो स्कॉर्पियो खड़ी वहाँ से, और इसमें ऊपर ही है लास्ट में बिल्कुल, तो बहुत मेहनत लगेगी, पर मेहनत के बाद जो स्वाद है वो असली स्वाद ऊपर ही है। इतनी दूर गाड़ी को खड़ी करोगे ना उतना फ़ायदा है। अब देखो कितना बुरा जाम लग रहा है यहाँ पे, पीछे तक लग रहा है। सही है अपनी तो दूर है, 5 से हो जाएगी बैठ।